और हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू। और जो मेरा ये जल्दीपन है ना, मतलब जल्दीपन के जो बैठी हूँ ना मैं, उसका रीज़न है ये। हाथ देख रहे हो पूरा पेंटिंग से, तो मैं कर रही हूँ पेंटिंग होली से ही रिलेटेड। मैं एक आर्ट बना रही हूँ आज, वैसे मैं आर्टिस्ट हूँ नहीं, पर हाँ मन किया कि घर पे हूँ तो थोड़ी इंस्पायर कुछ बना लेती हूँ होली के कलर से, कलरफुल। और साथ में स्पेशल क्यों है पता है, क्योंकि मेरे फैमिली को मैं इसमें शामिल करने वाली हूँ। और ऐसा कुछ जो मतलब फैमिली में एक फैमिली का एक मेमोरी बन के भी रह जाए, और साथ में मेरे होम डेकोर में भी। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये लैपटॉप का बॉक्स, पूरा नहीं चाहिए, बस एक साइड ही कट करके निकाल लेना है। ये एक टुकड़े को काटने में ही मुझे 15 मिनट से ज़्यादा लग गया। हो गया, अब इस कार्डबोर्ड को चारों तरफ से स्मूथ कर लेना है। मैं इस कटर का ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोग भी बनाते हो तो ध्यान रखना कि कार्डबोर्ड थोड़ा सा स्टर्डी हो, क्योंकि बहुत पानी से गीला होने वाला है, टूट भी सकता है। मैंने सोचा था कि वाइट पेपर के टुकड़े करके ग्लू और पानी मिक्स करके इसके ऊपर लगाऊंगी, पर पता चला कि ग्लू ही ख़त्म हो गया है, कुछ और करना पड़ेगा। पेन में जो कलर्स यूज होने वाले हैं उसके साथ साथ पापा के टेबल्स एंड न्यूज़पेपर्स भी चुपके से लेके आ गई। अरे धूल तो देखो, चलो न्यूज़पेपर से फ्लोर को कवर कर लेती हूँ। क्योंकि ग्लू नहीं है इसलिए न्यूज़पेपर और ब्लैक टेप से ही मैं पूरे कार्डबोर्ड को कवर कर दूंगी। ये बार बार टेप काट के लगाना और फिर काट के लगाना बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है मुझे, तो मैं इसे अपनी उंगली में चिपका लूंगी और फिर एक साथ यूज करने वाली हूँ। देखो कैसे करती हूँ। उंगली मत काट लेना, एक और फिर इसमें ना ये व्हाइट कलर लगाएंगे इसमें, पर प्रॉब्लम क्या हो रहा है ही नहीं सामान। अब ये व्हाइट देख रहे हो, इतना कम व्हाइट है, इससे ही पूरा काम चलाना पड़ेगा मुझे। कलर करने गई तो देख, तो मुझे लगा कि नहीं इतना सारा व्हाइट कलर कैसे वेस्ट कर दूँ, तो बहुत ही कर दूँ। यहाँ देखो इस साइड में व्हाइट कलर किया था, तो आप देख सकते हो सूखने की तो बात दूर की है, अब तक सूखे भी नहीं है, वो तो अलग बात है, कलर भी नहीं दिख रहा है। मेरी कंजूसी मुझ पे ही भारी पड़ गई। अब देखो दो तीन कोट और लगाना पड़ गया व्हाइट कलर का, पर कोई बात नहीं, पानी मिक्स करके लगा दूँ क्योंकि मेरे पास था ही नहीं। और उसके बाद मैंने इस तरह से स्प्लैश आर्ट बनाया। ये इंटरनेट में मैंने बहुत देखा है और मुझे भी ट्राई करने का बहुत ज़्यादा मन था। पहले तो जो भी कलर चाहिए पानी के साथ मिक्स करो और थोड़ा ऊपर से पोर करो, जो शेप बनेगा उसका आउटलाइन भी ड्रॉ कर लेना। मैंने यूज़ की रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन और ब्लू। मैंने जो विजुअलाइज किया था तो नहीं बना, कलर ज़्यादा डार्क निकला। आप लोग पानी ज़्यादा रखना और कलर कम रखना। तो हमारा ये आर्ट का जो बैकग्राउंड है वो बन गया है। अभी इसमें मैं और दूसरा कलर ऐड नहीं करने वाली, क्योंकि ऑलरेडी पता नहीं क्यों मुझे ही गंदा लग रहा है। और देखो ना ये टेढ़ा भी हो गया है पानी के वजह से, पर कोई बात नहीं, देखेंगे कुछ ना कुछ तो जुगाड़ लगा के सीधा भी कर ही देंगे। और अभी मैं बना रही हूँ अपना वेलकम वीडियो, वो मेरा होली इंस्पायर्ड आर्ट, तो उसको सूखने में टाइम लग रहा है, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लूँ। तो बताया था ना कि पेंटिंग टेढ़ा हो गया था, तो उसको सीधा करने के लिए ऐसे इसके ऊपर बॉक्स रख के चली गई थी मैं अपना काम करने। और जब वापस आई तो देखा कि हाँ सच में पेंटिंग सीधा हो गया है, और अब देखते हैं कि सूखा है कि नहीं। ऑलमोस्ट हाथ में कलर तो नहीं आ रहा है, अभी सूख गया है। मेरा आइडिया ये था कि मैं पाम्पे HAPPY डिज़ाइन बनाऊंगी सेलो टेप से, सो दैट प्रिंट लगाते वक्त पेंटिंग में हैप्पी दिख जाए। जब मैंने वाइट ट्राई किया तो अच्छे से लग गया, बट पी का कुछ और ही बन गया, तो मेरा आइडिया हो गया फ्लॉप। फिर पापा से येलो, मम्मी से ब्लू और भाई से ग्रीन हैंड प्रिंट लगवाया, और ये मेरा भाई मेरी आर्ट का मजाक बनाते हो। थोड़ा अच्छा दिख जाए ये सोच के इसको सिल्वर, गोल्डन, रेड, ब्लू, हर तरह के ग्लिटर पेन से डिज़ाइन किया। अपने नेटिव लैंग्वेज में इसमें मैंने सबका नाम भी लिख दिया। होली स्पेशल है तो हैप्पी होली तो लिखना ही था। राइट साइड में थोड़ा सा स्पेस बचा था तो वहाँ पे मैंने कोट लिख दिया, और ये रहा फाइनल लुक। आपको कैसा लगा बताना। वैसे आइडिया अच्छा था पर मैंने ही बहुत गड़बड़ कर दी पेंटिंग में। आप लोग भी होली में फैमिली के साथ ये ट्राई कर सकते हो। चलो बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।